और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पटियाला में पुलिस पर हमला किया गया है। पटियाला के अंदर पुलिस पर हमला किया गया है, चार निहंगों ने ये हमला किया है पुलिस के ऊपर, और इस हमले में एएसआई का हाथ कट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पंजाब से आ रही है, पुलिस ने कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा था और इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इसी बीच इन्होंने इस पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। और आप देख भी सकते हैं, तस्वीरें काफी विचलित करने वाली है जिसमें इस पुलिस कर्मी का हाथ कट चुका है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी खबर पटियाला से आ रही है, पटियाला में पुलिस पर हमला किया गया है। आप देख भी सकते हैं, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है जिसमें एक पुलिसकर्मी का हाथ कट के बिल्कुल अलग हो गया है। हमले में एसआई का हाथ कट गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा था और इनमें आपस में इसी को लेकर बहस हो गई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने पुलिस कर्मी पर हमला बोल दिया और पुलिस के रोकने पर पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया। घायल को फिलहाल चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा गया, जिसके बाद से इन लोगों ने इस पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद पुलिसकर्मी का हाथ कट गया। फिलहाल इन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि चार निहंगों ने ये पुलिसकर्मी पर हमला किया है। इस हमले में एएसआई का हाथ कट गया है। बड़ी खबर पटियाला से, पुलिस ने कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा था, तलवारें चलाई गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, मंडी बोर्ड के दो लोग वो भी जख्मी हुए, कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया और दूसरा बुरी तरह जख्मी हुआ। इस मामले को लेकर पुलिस ने जो गांव पड़ता था बलवेड़ा, उसे सील कर दिया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहां पे जो गोली है वो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति है वो जख्मी हुआ है, जिसे इंदिरा हॉस्पिटल लाया गया। अविनाश, ये जो चार लोग हैं निहंगे जो हैं, इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, पुलिस ने वार्निंग दी थी कि बाहर आ जाओ, सिलेंडर कर दो, लेकिन नहीं किया गया, जिसके द्वारा जो अंदर से फायरिंग हुई तो बाहर से भी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक जो जख्मी हुआ है उसे हॉस्पिटल लाया गया राजेंद्रा। चलिए अविनाश, फिलहाल इस पुलिसकर्मी की क्या हालत है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, पुलिस का आरोपी निहंगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरोपी निहंग बलबेड़ा गुरुद्वारे में छिपे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बलबेड़ा गुरुद्वारे में घुसे कमांडो, तो कमांडोज जो है वो बलबेड़ा गुरुद्वारे में घुस चुके हैं, जबरन सब्जी मंडी में घुस रहे थे ये निहंग, जिन पर
कड़े एक्शन लिए गए हैं। पुलिस का आरोपी निहंगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरोपी निहंग बलबेड़ा गुरुद्वारे में छिपे थे, जिसके बाद से जो कमांडोज है वो बलबेड़ा गुरुद्वारे में घुसे और इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्ती सब्जी मंडी में घुस रहे थे ये निहंग। आपको बता दें कि ये वही निहंग है जिन्होंने इस पुलिस कर्मी का हाथ काटा है। आरोपी निहंग बलबेड़ा गुरुद्वारे में छिपे हुए थे। अविनाश, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, इतने ज्यादा हौसले बुलंद कैसे हो गए हैं इन लोगों के? जी देखिए, बात करें तो सुबह जो विवाद हुआ है सब्जी लेने को लेके हुआ है, जिसके चलते हुए जो उन्होंने पास मांगा है मंडी बोर्ड कर्मचारियों ने, तो पास नहीं दिया। उसके बाद पुलिस ने पूछा अगर आपके पास परमिशन है तो बताइए, क्योंकि ये सब्जी है दुकानदारों को दी जा रही थी, क्योंकि घर घर तक ये सब्जियां पहुंचाई जा रही है कर्फ्यू और लॉकडाउन के मद्देनजर। लेकिन ये जो निहंग लोग थे, इन्होंने बहस शुरू की और उसके बाद गाड़ी में से तलवारें निकालते सारी पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। कहीं ना कहीं पुलिस इन्हें रोकती ली, लेकिन रुके नहीं, इन्होंने तलवारों के साथ जो एक ASI था उसका हाथ काट दिया और दूसरा जो इंस्पेक्टर था उसके भी चोटें लगी और दो मंडी बोर्ड के कर्मचारी थे उन्हें भी चोटें लगी है। जी अविनाश, जो पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है उसकी क्या हालत है इस वक्त? जी जो पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है उसे PGI ले जाया गया जी। अविनाश, लोग इतने ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें लगातार ही कहीं ना कहीं से आ रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं काफी विचलित करने वाली आ रही हैं। अविनाश जी देखिए, हाँ आपको हमारी आवाज आ रही है अविनाश जी? देखिएगा जी, लॉकडाउन के अंदर जहां लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ऐसे में लोग बेसब्र हो रहे हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर ऐसे लोगों के अंदर कानून का खौफ क्यों नहीं है? दीक्षिका, पहले ही जो प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी, अपने घरों में रहो, अपनी और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके घर तक सब्जी और राशन पहुंचाए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कानून की उल्लंघना करते हैं। जिस प्रकार से आज हुआ है, सरेआम गुंडागर्दी हुई है, पुलिस के ऊपर हमला किया गया तलवारों के साथ किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में बचाव करती नजर आई, लेकिन उनके द्वारा जब तलवारें निकाल के हमला किया गया, एक पुलिसकर्मी जो ASI है उसका हाथ काट दिया गया, दूसरा जो इंस्पेक्टर है उसे बुरी तरह पीटा गया, कहीं ना कहीं जो ये लोग इस घटना को अंजाम देने वाले थे ये बलबेड़ा जो गाँव है वहाँ के हैं, वहाँ पे पुलिस जो है भारी पुलिस बल तैनात करके वहाँ पे सील किया गया, लेकिन अंदर से फायरिंग हुई तो पुलिस ने भी जवाबी तौर पर फायरिंग की, जिसमें एक जो व्यक्ति था वो जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल रिंगरा लाया गया। अविनाश, ये जो चारों आरोपी हैं, इनकी पहचान हो पाई है? कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं? तो बता दें कि पटियाला से काफी शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं और ये मानसिकता दर्शाती है कि जिस तरह से लोग इतने ज्यादा उग्र हो रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटियाला से शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि हमला करने के बाद ये लोग बलबेड़ा गुरुद्वारे में घुस गए थे, जिसके बाद से वहां कमांडोज गए और उन पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने आरोपी निहंगों के खिलाफ एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की पटियाला की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह की मानसिकता है इन लोगों की, जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन्हीं पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। सवेरे एवं जी, जिवें कि आपां सारे जानते हैं कि एंट्री सिर्फ पास दे नाल एंट्री हैगी, पास पुलिस मुलाजमों वालों मंगया गया, कोई चार बंदे सी गड्डी च, उन्हां तो मंगया गया पास, उन्हां कोल पास नहीं सी, उन्हां कोल पास ना होण करके उन्हां नूं पुलिस मुलाजम कहिंदा तुसीं नहीं जा सकते, उन्हां ने कृपाना नाल पुलिस मुलाजम ते बहुत ज़्यादा बहुत बहुत माड़ी गल का बहुत हमला किया कि हनेक सिंह जी ASI हैं, उन्होंने हाथ भी कटिया गया।
तो बता दें कि पुलिस ने फिलहाल इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये आरोपी बलबेड़ा गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं और इन पर एक्शन लिया गया है। कमांडोज वहां घुस गए हैं गुरुद्वारे के अंदर और इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ ये दबंगे दिखाते हुए निहंगे तलवार लहराते हुए इस पुलिस कर्मी का हाथ काट कर वहां से निकल जाते हैं और गुरुद्वारे में पनाह लेते हैं। लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है और गुरुद्वारे में कमांडोज भी घुस गए हैं। बलबेड़ा गुरुद्वारे में जहां इन्होंने छिपे हुए हैं वही कमांडोज भी घुस गए हैं और इन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में जबरन घुस रहे थे, जिसके बाद से इनसे पास मांगा गया था। कर्फ्यू पास जो दिया जाता है ऐसे समय में, वो पास दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पास इनके पास नहीं था और उसी को लेकर इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन निहंगों ने देखते ही देखते तलवार निकाली और पुलिस कर्मी के ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस पुलिस कर्मी का जो हाथ है वो अलग हो गया है और पुलिस कर्मी करहाता हुआ जमीन पर लेट गया और वो वहां से ये जो निहंगे हैं अपनी तलवार लहराते हुए वहां से निकल जाते हैं और बलबेड़ा गुरुद्वारे में उन्होंने घुस गए। लेकिन पुलिस भी काफी मुस्तैद है, कमांडोज घुस चुके हैं वहां पर, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल बड़ा यही उठता है कि जो लोग हमें सुरक्षा दे रहे हैं ऐसे लोगों पर इस तरीके का हमला काफी शर्मनाक है और ये शोभा नहीं देता है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। आरोपी निहंग बलबेड़ा गुरुद्वारे में छिपे हैं जहां अब कमांडोज भी घुस गए हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।